हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज खोकर। माय सब्जेक्ट इन केमिस्ट्री। आज हम आईयूपीएसी नाम के बारे में पढ़ेंगे। आईयूपीएसी जिसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यूपीएससी नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है शुरुआत में, लेकिन अब जैसे इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद यूपीएससी नाम बहुत इजी होता चला जाएगा। हमें केवल और केवल कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। केवल 8 कार्बन तक हमें याद रखना है किस कार्बन को हम क्या कह रहे हैं। पहले वाले कार्बन को हम मेथ कहते हैं, METH मेथ। दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप, चौथे कार्बन को कहेंगे हम ब्यूट, पांचवे को पेंट, छठे को हेक्स, सातवें को हेप्ट और आठवें को कहेंगे आप ओक्ट। अब एल्केन का मतलब होता है कि जिसका सफिक्स, जिसका अनुलग्न एन होगा। पहचान क्या होगी? जिसमें कार्बन सिंगल बंद द्वारा जुड़ा होगा, जैसे CH4। CH4 की स्ट्रक्चर देखी जाए तो कार्बन 4 हाइड्रोजन द्वारा सिंगल बंद से जुड़ा होता है। सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एक कार्बन है, एक कार्बन होने के कारण इसको कहा मैथ और सिंगल बॉन्ड होने के कारण कहा एन, तो मैथ प्लस एन। अब इसको देख रहे हैं आप, मैथ प्लस एन इज इक्वल टू मैथेन, सिंगल बॉन्ड है। यदि हमारे दो कार्बन होंगे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी सब एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। दो कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, तो दो कार्बन को एथ कह रहे हैं और एथ में एन लगाओगे तो एथेन बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा? एथेन। इसी तरीके से CH3 CH2 CH3। बेटा जो बीच वाला बॉन्ड है ना, ये पहले कार्बन और दूसरे कार्बन दोनों की चौथी वैलेंसी को कंप्लीट करता है, तो दोनों के लिए काउंट होगा। ये 3 कार्बन होने के कारण इसका नाम होगा प्रोप, में एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन। इसी तरीके से यदि 4 कार्बन ले लिए जाए, CH3 CH2 CH2, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूट कहना था हमें, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट प्लस एन इज इक्वल टू ब्यूटेन। यदि इनसे थोड़ा सा आगे चले, यदि इन पे कोई ना कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे CH3 CH CH2 CH2 CH3, इस पे एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है आपका, तो इसकी काउंटिंग आप उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से मेथिल समूह के जुड़ने का क्रम नंबर सबसे कम होगा। यदि हम इसकी काउंटिंग इधर से करें तो U1 कार्बन, ये 2 कार्बन से मेथिल जुड़ रहा, ये 3, ये 4, ये 5। यदि इधर से करें 1 2 3 4 हो जाएगा। इधर से काउंट करेंगे चूंकि सबसे कम नंबर पर जुड़ा होगा, तो यू पहला कार्बन, यू दूसरा, यू तीसरा, यू चौथा, यू। अब दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका मेथिल, तो नाम हो जाएगा 2-methyl और 5 कार्बन को कहेंगे आप पेंट, में एन जोड़ के पेंटेन। यदि एक से ज्यादा
ग्रुप जुड़े होंगे, तो दो ग्रुप जुड़े हो तो दो के लिए शब्द यूज करेंगे हम डाई। दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई और चार के लिए टेट्रा। जैसा एक कार्बन और इसके साथ जोड़ते हैं मेथिल समूह को, तो अब मेथिल समूह कहां कहां जुड़े हुए हैं, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जुड़े होने के कारण क्या कहेंगे आप इसे, टू थ्री, एक बार ये एक बार ये, टू थ्री, दो एक जैसे हैं तो डाई यूज करेंगे आप, टू थ्री डाई मेथिल, पांच कार्बन है तो पेंटेन, टू थ्री डाई मेथिल पेंटेन। यदि चौथे वाले कार्बन पे भी आपने एक मेथिल ग्रुप जोड़ दिया गया तो इसका नाम होगा टू थ्री फोर, चूंकि वो तीसरा कार्बन और यू चौथा कार्बन। अब देखो एक ऑप्शन और आपके सामने, आप इसकी काउंटिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं, इधर से काउंटिंग करेंगे तो यू यहां दो, यू तीन और यू चार, इधर से काउंटिंग करेंगे तो यू एक, यू दो, यू तीन और यू, आप किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो दो तीन चार, तीनों एक जैसे हैं तो ट्राई जोड़ेंगे आप, दो तीन चार ट्राई मेथिल, पांच कार्बन है तो पेंटेन। यदि बेटा इस पे मेथिल के बजाय एथिल जोड़ दिया अपने तीसरे कार्बन पे, C2H5 को एथिल कहेंगे आप, तो इसकी काउंटिंग इधर से ही करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, ये इधर से भी कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव। लेकिन एथिल बनता है आपका ई से और मेथिल बनता है आपका एम से, तो हम अल्फाबेटिकली जो वर्ड पहले आएगा पहले हम उसी का नाम लिखेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, तीसरे पॉइंट के साथ में जुड़ा हुआ है एथिल, चूंकि ई से बनता है तो इसका नाम हम लिखेंगे थ्री एथिल, टू सेकंड पोजीशन से और फोर पोजीशन से जुड़ा है टू फोर डाई मेथिल, पेंटेन, थ्री एथिल टू फोर डाई मेथिल पेंटेन। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए जो परीक्षा में आता है वो कभी कभी ऐसा आ जाता है, कि उसने यहां सेकंड पोजीशन पे CH3CH2 यानी कि एथिल लगा दिया हमारा, अब इसका नाम पूछना चाह रहा, अब ये भी हमें C2H5 दिखाई दे रहा है, ये भी C2H5 दिखाई दे रहा है, तो हम डाईएथिल सोच लेते हैं इसको, नहीं हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि हमारी कार्बन की सबसे लंबी चेन मेन चेन होगी, तो अब जो नंबर एक वाला कार्बन होगा वो कौन सा होगा आपका यू, एक दो यू तीन यू चार, यदि यहां सीधे चलेंगे हम तो पांच हो जाएगा, लेकिन यहां चलेंगे तो यू पांच और यू छह। अब ये पेंटेन में होके हेक्सेन होगा और इसका क्या नाम लिखेंगे, थ्री एथिल, वन टू थ्री एथिल, टू फोर इस चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला मेथिल, थ्री एथिल टू फोर डाई मेथिल, और पेंटेन की जगह क्या लिखेंगे हम, हेक्सेन। हेक्सेन बिल्कुल सेम इसी तरीके से आते हैं हेलो एल्केन वाले नाम पे। हेलो का मैंने परसों भी बताया था, एक्स इज इक्वल टू फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो होगा, जैसा कि एग्जांपल
CH3Cl, CH3Br, एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, Cl जुड़ा हुआ है, तो आप इसका नाम लिखेंगे क्लोरो मैथेन, इसको लिखेंगे ब्रोमो मैथेन। यदि आपका दोनों एक ही साथ आते हैं CH2 BrCl, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप तो पहले इसका नाम लिखेंगे हम ब्रोमो, चूंकि ब्रोमो बना बी से, उसके बाद लिखेंगे क्लोरो, चूंकि क्लोरो बना सी से, तो ब्रोमो क्लोरो केवल एक ही कार्बन है, वो भी सिंगल बॉन्ड वाला, तो लिखेंगे मैथेन, ब्रोमो क्लोरो मैथेन। एक पॉइंट आपका CHCl3, जिसका रासायनिक नाम क्लोरोफार्म, जो आपको बेहोश करने के काम में लाया जाता है। अपने पिक्चर्स में भी बहुत देखा होगा कि एक रुमाल व्यक्ति के चेहरे पर लगाते हैं और व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ये आपका वो डेंजरस क्लोरोफार्म। लेकिन इसका IUPAC नाम क्या होगा, तीन Cl जुड़े हैं, और मैंने अभी बताया था आपको दो के लिए डाई और तीन के लिए ट्राई लगाऊंगे आप, तो तीन Cl होने के कारण इसका नाम होगा एक दो तीन, तीनों एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, तो केवल लिखेंगे ट्राई क्लोरो मैथेन, ट्राई क्लोरो मैथेन। ये थे बेटा आपके IUPAC नाम। अभी आपके कुछ और आगे चल के इसमें पॉइंट आ रहा है आपका समावयवता, समावयवता, इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा था समावयवता, समा वयावता, यानी कि समान अवयवों वाला एक समूह, कोई ऐसा समूह जिसका अणुसूत्र तो एक हो और उसके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाता है। जैसे एक पॉइंट है C5H12, और हमें इसके स्ट्रक्चर बनानी है, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनानी है जो इसकी अधिकतम बन सकती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, C5 देख रहे हैं हम, और C5 देखने का मतलब होगा इसकी इसमें पांच कार्बन होंगे, एक कार्बन, दो, तीन, चार और पांच, एक कार्बन की अधिकतम तीन संयोजकता हो सकती है। तो पहले वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे, एक संयोजकता तो ये होगी, तीन संयोजकता का मतलब तीन H इससे लगे होंगे, अर्थात ये आपका CH3 होगा। दूसरे कार्बन की वैलेंसी एक और एक दो, तो कितने हाइड्रोजन जोड़े, दो जोड़ेंगे। तीसरे के लिए एक और एक दो, तो दो ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे बेटा। चौथे के लिए एक और एक दो, दो ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे। पांचवे पे एक दो यू तीन, तो यानी कि C5 एक दो तीन चार और यू पांच, तीन और दो पांच और दो सात और दो नौ और तीन बारह, C5H12 हो गया आपका यू। तो एक रूप तो इसका यू था, इसको आप ऐसे लिख लेंगे CH3CH2CH2CH2CH3, ये आपका पहला रूप हो गया, इसमें पांच कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। इसी का दूसरा रूप आप ऐसे लिख सकते हैं CH3CH CH3CH2CH3, बिल्कुल सेम, इसमें भी पांच कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, इसका नाम था आपका पेंटेन, उसका नाम आपका 2-methyl-butane। तीसरा आपका एक और हो सकता है CH3
पांच ही कार्बन है बेटा, 12 हाइड्रोजन है, पांच कार्बन 12 हाइड्रोजन, पांच कार्बन 12 हाइड्रोजन, पांच कार्बन 12 हाइड्रोजन, तो तीनों एक दूसरे के समान अवयव है। पेंटेन 2 मेथिल ब्यूटेन 2 डाई मेथिल प्रोपेन, इस तरीके से आप समावयवी यौगिक बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका C5H11Br जो आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल के रूप में है, वो कह रहा है उसके 8 समावयवी बनाने, 8 समावयवी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इसलिए देखते रहिए।